नमस्कार, आप देख रहे हैं 33 जिला 33 खबर। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। रीट परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है। 2022 रीट भर्ती परीक्षा का ऐलान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। वर्ष 2022 में 14 और 15 मई को रीट परीक्षा आयोजित करने का निर्णय किया गया है, जिससे प्रदेश को करीब 20,000 नए शिक्षक मिल सकेंगे। इस भर्ती में विशेष शिक्षकों हेतु भी प्रावधान किया जाएगा और इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ ही पैरा टीचर्स, शिक्षा कर्मी, मदरसा पैरा टीचर्स और पंचायत सहायकों की समस्याओं को भी माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए हल करने के समयबद्ध रूप से कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। वैधर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर कालीचरण महाराज की ओर से अमर्यादित टिप्पणी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे निंदनीय बताया है। उन्होंने कहा कि धर्म संसद के नाम पर राष्ट्र के महापुरुषों के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणियां की जा रही हैं। कालीचरण महाराज को ये बोलने का हौसला कहाँ से मिला? इसके अलावा अन्य कई लोग हैं जो ऐसी अमर्यादित बातें करते हैं, उन्हें यह हौसला कहाँ से मिलता है? उन्हें देश में इस तरह का माहौल दिया जाता है? रायपुर में जो कुछ हुआ उसकी निंदा करनी चाहिए थी। एक तरफ गांधी को अपना रहे हो और एक तरफ गांधी के बारे में जो लफ्ज काम लिए गए फिर भी कुछ नहीं बोल रहे हो, तो दो बातें नहीं चल सकती है। भारत सरकार के जो केंद्रीय मंत्री हो चाहे कोई हो, उनको सबको मैं समझता हूँ कि इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि देश में एकता रहेगी, अखंडता रहेगी, प्रेम भाव रहेगा, सद्भावना रहेगी, तभी तो मुल्क आगे बढ़ेगा। और जिस प्रकार का माहौल बन गया है मैं समझता हूँ उस माहौल को ठीक करने की आवश्यकता है। और जिम्मेवारी सबसे बड़ी केंद्र सरकार की है, सत्तारूढ़ पार्टी की होती है, विपक्ष तो अपना धर्म निभा रहा है। गुजरात कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा आज गुजरात दौरा खत्म कर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे और इस दौरान एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रघु शर्मा का भव्य स्वागत किया। रघु शर्मा ने जी राजस्थान से खास बातचीत करते हुए कहा कि गुजरात में मौजूदा बीजेपी सरकार से वहां की जनता का मोह भंग हो गया है, इसके चलते इस बार कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने का मानस बना लिया है। शर्मा ने कहा कि 2022 में गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनेगी और इसे लेकर उन्होंने दावा पेश किया है। उन्होंने कहा कि गुजरात में बीजेपी की सरकार विकास विरोधी साबित हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात सरकार से हर कोरोना मृतक परिवार को 4 लाख आर्थिक सहायता देने की बात कही, जिसे वहां की मौजूदा सरकार ने सिरे से नकार दिया। ये पूरे गुजरात के हर जिले में कांग्रेस के वर्कर्स का मन टटोला है, संगठन को कैसे आने वाले समय में मजबूत किया जाएगा और आने वाले 2022 के चुनाव में गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने इसको हम सुनिश्चित कर रहे हैं वहां। और बहुत अच्छा माहौल है, भारतीय जनता पार्टी से गुजरात की जनता का मोह भंग हो चुका है और इन लोगों ने जिस ढंग के हालात पैदा किए हैं गुजरात में, विशेष तौर से कोरोना महामारी में 3 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, वहाँ परिवार के परिवार उजड़ गए, लेकिन उनको मदद करने के लिए बीजेपी की सरकार बिल्कुल सामने नहीं आई। खबर जयपुर से, जहां पर श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ की अहिंसा यात्रा गुरुवार को राजभवन पहुंची। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आचार्य श्री महाश्रमण और संत जनों का राजभवन में स्वागत किया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि संतों की संगति का अवसर मिलना सौभाग्य की बात होती है। उन्होंने कहा कि सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति का संकल्प लोगों को दिलाने के उद्देश्य से आचार्य श्री की प्रेरणा से निकाली जा रही अहिंसा यात्रा की ये पहल सराहनीय है। आचार्य श्री ने बताया कि दिल्ली के लाल किले से 9 नवंबर 2014 से शुरू अहिंसा यात्रा नेपाल, भूटान और भारत के 20 से अधिक राज्यों से होती हुई राजस्थान पहुंची है और दिल्ली में यात्रा संपन्न होगी। इन्वेस्ट राजस्थान 2022 को लेकर जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं और सभी जिलों से संभावित निवेश को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर्स को सौंपी है। जयपुर में जिला स्तरीय निवेश सम्मेलन 5 जनवरी 2022 को होगा और इसे लेकर आज जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा आज मीडिया से रूबरू हुए। जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने प्रेस वार्ता में कहा कि अब तक 100 MOU और LOI फाइनल हुए हैं, 10,000 करोड़ से अधिक के करार हो चुके हैं, 5 जनवरी तक इनकी संख्या में इजाफे की संभावना है। जयपुर में 5 जनवरी को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में हस्ताक्षर होंगे। जयपुर में रिकॉर्ड MOU और LOI करवाने की तैयारी है।
स्टेट लेवल के फंक्शन होंगे तो उसमें जो लोकल आदमी है वो ये सोचता है कि भाई इतना बड़ा फंक्शन है, मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो उनके करस्पॉन्डिंगली थोड़ा कम है, तो मेरे को पता नहीं उसमें कोई तवज्जो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि ग्राउंड रियलिटी के अनुसार इस बार प्रत्येक ज़िले में ये इन्वेस्टर सबमिट करने का निर्णय लिया गया, जिससे कि लोकल लोग जो हैं वो आसानी से, चूँकि ज़िले के स्तर पर होगी तो आदमी आगे आ जाता है और हमसे संपर्क भी कर सकता है। और मुझे खुशी है करीबन 100 के से अधिक लोगों ने 10,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के लिए हमसे संपर्क किया है, जिनके पास में ज़मीन भी उपलब्ध है। डूंगरपुर जिले में पिछले साल हुए कांकरी डूंगरी उपद्रव मामले में दर्ज मुकदमों को वापस लेने और गिरफ्तारियों पर रोक लगाने की मांग को लेकर आदिवासी समाज के जनप्रतिनिधियों का धरना लगातार तीसरे गुरुवार को भी कलेक्ट्रेट पर आयोजित हुआ। इस बार का धरना 84 विधानसभा क्षेत्र से बीटीपी के एमएलए राजकुमार रोत के नेतृत्व में दिया गया। कलेक्ट्रेट के बाहर आयोजित धरने को संबोधित करते बीटीपी विधायक राजकुमार रोत ने कहा कि बेगुनाह लोगों को भी काकरी डूंगरी दंगों में आरोपी बनाया गया है, जिनकी गिरफ्तारियां अब तक एक साल बाद भी चल रही हैं। पुलिस ने हजारों लोगों को अलग अलग मुकदमों में आरोपी बनाया है, जबकि उनका दंगों से कोई लेना देना नहीं था। एमएलए राजकुमार ने कहा कि आदिवासी समाज के तमाम जनप्रतिनिधि हर गुरुवार को डूंगरपुर कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दे रहे हैं और उनकी मांग है कि इन मुकदमों को सरकार वापस ले। एमएलए राजकुमार ने सरकार को चुनौती दी है कि समय रहते इन मुकदमों को वापस नहीं लिया गया तो समाज के आक्रोश का सामना चुनाव में करना पड़ेगा। खबर सवाईमाधोपुर के बामनवास उपखंड के बाटोदा थाना क्षेत्र से, जहां पर जीवन नदी किनारे मिले शव की शिनाख्त विजेंद्र मीणा के रूप में हो चुकी है। शव की शिनाख्त के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा दिया है, तो वहीं पुलिस की सूचना के बाद पहुंचे परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए मामला दर्ज करवाया है। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने शव लेने से भी इनकार कर दिया। मृतक के परिजनों का कहना है कि विजेंद्र मीणा के परिवार में कमाने वाला कोई नहीं बचा। विजेंद्र के पिता दिव्यांग हैं और माँ शुरू से ही दृष्टिहीन है, ऐसे में विजेंद्र मीणा की पत्नी और 3 बच्चे जीवन यापन करने में सक्षम नहीं है। पुलिस से मांग है कि आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाए और राज्य सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मृतक विजेंद्र मीणा के परिवार को दिलाया जाए, साथ ही मृतक के एक परिजन को नौकरी दी जाए। जो भी इसमें लिप्त उनकी गिरफ्तारी हो जल्दी से जल्दी जी। दूसरी बात, इस परिवार में विजेंद्र के अलावा कमाने वाला कोई भी नहीं है जी, तो उसको राजस्थान सरकार से या केंद्र सरकार से जो भी योजना है उसका लाभ मिले परिवार वालों को। ठीक है, क्योंकि इसकी माता है जो शुरू से ही अंधी थी, पिताजी है जो वो भी विकलांग है, और विजेंद्र के 2 बच्चा और 1 बच्ची है जी। तो इसके अलावा परिवार में अब कोई कमाने वाला नहीं है। हमारी मांग है कि आप हत्यारों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें, हम तभी सबको लेंगे। तो चित्तौड़गढ़ से खबर है, यहाँ पर रेडीमेड वस्त्र व्यापारियों ने जीएसटी बढ़ाए जाने का विरोध किया है। जिला मुख्यालय पर व्यापारियों ने प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को दिए ज्ञापन में बताया कि रेडीमेड वस्त्र एक आवश्यक वस्तु है, सरकार ने इसकी जीएसटी दर 5% से बढ़ाकर 12% कर दी है, जिससे रेडीमेड वस्त्र महंगे हो जाएंगे और उनके व्यापार पर असर होगा। इनका तर्क है कि कोरोना संक्रमण के चलते पहले ही व्यापार में नुकसान हो रहा है और ऐसे में सरकार द्वारा जीएसटी बढ़ाए जाने से उनकी हालत और ख़राब हो जाएगी, लिहाजा तुरंत प्रभाव से सरकार जीएसटी दर पहले की तरह 5% कर दे, नहीं तो आंदोलन किया जाएगा। आज हम सभी व्यापारी रेडीमेड और कपड़ा व्यापार संघ के पदाधिकारी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दर 5% से बढ़ाकर 12% की गई है, तो इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि हमारा रेडीमेड कपड़ा जो है आम जरूरत की चीज़ है। उस आम जरूरत की चीज़ को जो कि गरीब और मध्यम वर्ग के काम आता है, उस पर जीएसटी बढ़ा करके गवर्नमेंट ने गरीबों पर मध्यम वर्ग पर आघात किया है। ऐसे हमारा पुरजोर विरोध रहेगा और सरकार से निवेदन करते हैं, पहला निवेदन कर रहे हैं कि उनको तुरंत प्रभाव से कम करें, अन्यथा हम राष्ट्रव्यापी और भारत बंद का आंदोलन, व्यापार बंद का आंदोलन। प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने वन्य जीवों का शिकार करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के पास से टोपीदार बंदूक और चाकू बरामद किए हैं। छोटी सादड़ी थाना अधिकारी कपिल पाटीदार ने बताया कि पुलिस को ग्रामीणों ने बताया कि केसुंदा रोड पर कुछ लोग वन्य जीवों का शिकार कर रहे हैं। सूचना के बाद सक्रिय हुई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा निवासी फिरोज खान और सलीम को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से शिकार में काम में ली गई बंदूक, छर्रे, चाकू और मोटरसाइकिल जब्त की। बटूंक में आज पुलिस ने धारदार हथियारों का बड़ा जखीरा पकड़ा है। डीएससी की टीम और कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 99 शॉप पर छापेमारी कर हथियारों का जखीरा बरामद किया और आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने
दुकान मालिक नावेद खान की गिरफ्तार कर दुकान से कुल छोटे बड़े 42 धारदार चाकू बरामद किए और साथ ही कटार गुप्ती समेत और भी हथियारों की बरामदगी कर आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया है। सीओ साले मोहम्मद ने बताया है कि 99 शॉप पर घरेलू सामान की आड़ में अवैध धारदार हथियार बेचने की सूचना पर कार्रवाई की गई। हमने इसमें कार्रवाई करते नवेद की जो 99 की दुकान है छोटे घरेलू सामान की आड़ में ये चाकू बेच रहा है, जिस पर हमने कार्रवाई करते हुए इसकी शॉप से 25 कटार बड़ी, 8 बड़े चाकू, 7 छोटे चाकू और 2 रुगुप्ती, कुल 42 हथियार नुमा चाकू बरामद किए थे और नवेद के खिलाफ 4/25 और 5/25 में हमने FIR दर्ज किया। वह उधार दिए हुए रुपए वापस मांगने पर एक पक्ष ने दूसरे पर जानलेवा हमला कर दिया। मारपीट और पथराव में एक पक्ष के 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें हिंडौन के जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया है। हिंडौन सदर थाना पुलिस ने पर्चा बयान के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जोधपुर के माचिया बायोलॉजिकल पार्क में एक बार फिर से जोधपुर में शेरों के कुर्मे को आगे कैसे बढ़ाया जा सके, इसके लिए कवायद शुरू की है। जोधपुर के माचिया बायोलॉजिकल पार्क में 4 साल पहले शेरनी आरटी ने 4 शावकों को जन्म दिया था, जिसमें से 4 साल का एक शावक रियाज अब पूरी तरह से जवान हो गया है। प्रजनन की प्रक्रिया के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है। अब उसके लिए माचिया बायोलॉजिकल पार्क प्रबंधन एक वधु यानी कि मादा शेरनी को ढूंढ रहा है ताकि इसके कुनबे को बढ़ाया जा सके। रियाज का बायोडाटा भी CGDA में भेज दिया है। देश भर के सभी वन अधिकारियों को बायोडाटा प्रपोजल बनाकर भेजा है ताकि इसके लिए शेरनी का जोड़ा मिल सके। अधिकारियों की प्राथमिकता है कि राजस्थान की सीमा से सटे गुजरात राज्य किसी भी जू से एक मादा शेरनी को जोधपुर में लाया जाए ताकि दोनों की ब्रीडिंग करवाई जा सके, जिससे कि जोधपुर में एक बार फिर से शेरों के कुनबे की संख्या में बढ़ोतरी हो। गुजरात जो हमारा नियर बाई स्टेट से हमने राजकोट और एक दो जू से हमने बात किया है, वहाँ पर कुछ फीमेल्स लाइनेस अवेलेबल है, तो अगर CGDA की परमिशन मिलती है हमारे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन साहब के थ्रू हम उसको अप्रोच करेंगे, और अगर CGDA के थ्रू अगर हमको अनुमति मिलती है तो वहाँ से फीमेल को हम यहाँ पे लाने के लिए हम उसके लिए आगे पत्राचार करके जो भी प्रोसेस है, जो भी गवर्नमेंट का प्रोसेस है, अनुमति है, वो हम फॉलो करके लाइनेस को यहाँ पर लाने की कोशिश करें। वही आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत रविंद्र मंच पर नाटक अजब चोर की गजब कहानी और दोहरी जिंदगी का मंचन किया गया। रविंद्र रंग उत्सव के तहत नाटक अजब चोर की गजब कहानी का मंचन मुख्य सभागार में किया गया। नाटक वरिष्ठ रंगकर्मी अशोक राही के निर्देशन में खेला गया। नाटक राजस्थान की एक प्रसिद्ध लोक कथा पर आधारित है, जिसका नाटक रूपांतरण अशोक राही के द्वारा किया गया है। वहीं दूसरी ओर कला संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के सहयोग से राजस्थान के कहानीकार विजयदान देथा की कहानी दोहरी जिंदगी पर आधारित संगीत में नाटक गिंजा और बिंजा जिनकी पर आधारित संगीत नाटक का मंचन स्टूडियो थिएटर में किया गया। पिछले दिनों हुई मावट के बाद एक बार फिर से प्रदेश में कड़ाके की सर्दी लोगों को सताने लगी है और बीते 48 घंटों से रात के तापमान के साथ ही दिन के तापमान में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। बीते 48 घंटों में प्रदेश में रात के तापमान में करीब 4-5 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा चुकी है, तो वहीं आधा दर्जन जिलों में रात के तापमान में करीब 6-7 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही फतेहपुर में एक बार फिर से रात का तापमान 1.1 डिग्री पर जा पहुंचा है। लगातार दूसरी रात के तापमान में करीब 2 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है, तो वहीं राजधानी जयपुर में बीते 2 दिनों में रात के तापमान में करीब 8 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा चुकी है और इसके साथ ही प्रदेश के करीब आधा दर्जन जिलों में रात का तापमान 6 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। फतेहपुर में रात का पारा 1.1 डिग्री और चूरू में रात का पारा 2.5 डिग्री पर पहुंच चुका है। पिछले दिनों प्रदेश में हुई मावट के बाद एक बार फिर से तापमान में जबरदस्त गिरावट दर्ज होने लगी है। बीते 2 दिनों में प्रदेश के अधिकतर जिलों में जहां रात का तापमान 4-5 डिग्री तक गिर चुका है, तो वहीं करीब आधा दर्जन जिलों में रात के तापमान में 7-8 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा चुकी है। इसके साथ ही एक बार फिर से प्रदेश में तापमान है रात का वह जमाव बिंदु की ओर रुक कर चुका है। बीती रात फतेहपुर में रात का तापमान 1.1 डिग्री दर्ज किया गया, तो वहीं चूरू में भी रात का तापमान 2.5 डिग्री दर्ज किया गया। इसके साथ ही राजधानी जयपुर में भी रात का तापमान
6.6 डिग्री दर्ज किया गया। इसके साथ ही प्रदेश के करीब आधा दर्जन जिलों में रात का तापमान 5 डिग्री से नीचे दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में दिन और रात के तापमान में जहां 3 से 4 डिग्री तक और गिरावट होने की संभावना है, तो वहीं उत्तरी भागों में कड़ाके की सर्दी लोगों को जमकर सताएगी। इसके साथ ही शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप भी प्रदेश में नजर आएगा। कैमरा पर्सन देव प्रकाश के साथ ललित वर्मा, जी मीडिया, जयपुर। नगर निगम ग्रेटर ही अपने क्षेत्र के 850 पार्कों का रखरखाव करेगा। पहले ये काम यूडीएच मंत्री ने जेडीयू को सौंप दिया था, मगर कार्यवाहक महापौर शील धवाई के आग्रह पर ये काम पुनः नगर निगम ग्रेटर को ही दिया गया है। इस संबंध में धवाई ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल से मुलाकात की थी। बताया जा रहा है कि जेडीयू और हाउसिंग बोर्ड से मिलने वाली राशि को लेकर ये सारा फसाद हुआ था। नगर निगम लगातार विकास के पेटे मिलने वाली 15% राशि के लिए सरकार से आग्रह कर रहा था और इस पर यूडीएच मंत्री ने राशि न देकर नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्य कराने की बात कही थी। इसमें निगम क्षेत्र के पार्क भी शामिल थे। महापौर ने बताया कि किसी ने मंत्री के समक्ष पार्कों का सही रखरखाव नहीं होने के संबंध में गलत जानकारी पेश कर दी थी, जिसकी वजह से यह गफलत की स्थिति बनी। महापौर ने बताया कि मंत्री ने हमें कहा है कि अगर बड़े पार्कों का साधारण आप नहीं कर सकते तो जेडीए को ये काम सौंपा जा सकता है, लेकिन हमने साफ तौर पर इसके लिए मना कर दिया है। कि जो जेडीए कर रहा है उनकी रिपोर्ट भी लेके गए थे और नगर निगम 800 प्लस पार्क जो संधारण कर रहा है उसकी भी हम रिपोर्ट लेके गए थे। मंत्री जी ने देखा और इस बात से वो आश्वस्त हुए, उन्होंने उनको विश्वास इस बात का हुआ कि नहीं, नगर निगम अपना काम भली भांति कर रहा है तो ये नगर निगम के द्वारा ही संधारित किए जाने चाहिए। जो बड़े पार्क हैं, हमने उनसे कहा कि जो बहुत बड़े पार्क हैं उनमें ज़्यादा मेंटेनेंस है, आप उनको जेडीए को दे दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, आप खुद बता दीजिए कि जो पार्क आप नहीं करना चाहते हैं वो जेडीए कर लेगा, बाकी बड़े पार्क हैं अगर आप कर सकते हैं तो आप इसको करिए। वही साल 1998 में निकाली गई थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में बोनस अंकों के नियमों के चलते करीब 2000 चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो गए थे और उसके बाद से ही ये अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग को लेकर 2 दशक से संघर्ष कर रहे हैं। 23 सालों से संघर्ष कर रहे बेरोजगारों ने साल 2022 में नियुक्ति नहीं देने पर आत्महत्या की चेतावनी दे डाली है। गौरतलब है कि साल 1998 में थर्ड ग्रेड शिक्षकों की निकाली गई भर्ती में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बोनस अंकों के फेर में फंसे करीब 2000 चयनित शिक्षकों को नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर होना पड़ा है और उसके बाद से ही लगातार ये बेरोजगार नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन करते हुए नजर आए। अपनी मांग को लेकर बेरोजगारों ने जयपुर स्थित कलेक्ट्रेट के बाहर करीब 1000 दिनों से ज़्यादा धरना दिया और उस समय आश्वासन तो मिला, लेकिन समस्या अभी भी जस की तस है। नियुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि अगर साल 2022 में सरकार उन्हें नियुक्ति की सौगात देती है तो हम सभी आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। लगातार सरकार से संघर्ष कर रहे हैं और हमारे घर के हालात बहुत विपरीत हो चुके हैं। अब हमारे पास में केवल एक मात्र बचा है, या तो कुछ करें या मर सकते हैं हम लोग, या हमें सरकार हमें नौकरी दे। और हम पिछले 1000 दिन तक धरना दे चुके हैं और इस दौरान हम लोग मोतीलाल बोरा जी से, स्वर्गीय मोतीलाल जी बोरा जी से मिले, सारे लोग जो दिल्ली के अंदर बैठते हैं सारे हुक्मरान से मिल चुके हैं, सीएम साहब से वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमारे पास में किसी प्रकार का कोई सुखद परिणाम नहीं आया है। अजमेर के सिविल लाइन थाना पुलिस ने विवाहिता से देह शोषण के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए सिविल लाइन थाना प्रभारी अरविंद चारण ने बताया कि 8 दिसंबर 2021 को अजमेर की सिविल लाइन थाने में पीड़िता द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि आरोपी रफीक का उसके घर पर आना जाना था। वो उसे भाभी की तरह मानता था, लेकिन इसी बात का फायदा उठाकर उसने उसके साथ देह शोषण किया। इस मामले को लेकर पीड़िता ने अपने परिवार को जानकारी दी, जिसके बाद इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। थाना सिविल लाइन में एक पीड़िता ने रिपोर्ट दी कि उसके खिलाफ एक व्यक्ति है जो देह शोषण कर रहा है, जिस पर यहाँ पे थाना जहाँ पे मुकदमा दर्ज किया गया। आज उस मुकदमे में मुलजिम रफीक पुत्र शकूर मोहम्मद जो लोहा खान का निवासी है उसे इस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। ये इस पीड़िता से लगातार प्रेशर बना के इसे शारीरिक संपर्क संबंध बनाए थे, इसलिए इसको 376 में गिरफ्तार किया गया। अभी इसे न्यायालय पेश किया जाएगा।
खबर करौली से, जहां पर चोरों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार सुबह स्टेशनरी और फर्नीचर की दुकान में घुसकर नकाबपोश चोर ने करीब 60,000 की नकदी को चुरा कर ले गए। चोरी की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। एएसआई ब्रजराज शर्मा ने बताया कि गुलाब बाग तिराहे पर वैभव एंटरप्राइजेस के फर्नीचर स्टोर एवं रिद्धि सिद्धि कंप्यूटर एंड स्टेशनरी की दुकान है। दोनों दुकानें एक साथ हैं। गुरुवार सुबह करीब 4:36 पर चोर छत की सीढ़ियों पर लगे दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसा। स्टेशनरी की दुकान के काउंटर से करीब 25,000 की नकदी और फर्नीचर की दुकान के गल्ले में रखे 35,000 की नकदी को चोर चुरा कर ले गया। चोरी की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। वैसे बीच बड़ी खबर आ रही है नागौर से, जहां पर लापुलाई के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। ये बड़ी खबर नागौर से, जहां पर दर्दनाक हादसा। आपको बता दें कि लापुलाई के पास ये भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। एक बाइक सवार, एक कार सवार युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई है। हादसे में 4 जन की मौत हुई है। कार का टायर फटने से हादसा हुआ है। तो कार का टायर फटने से ये बड़ा हादसा नागौर में, जहां लापुलाई के पास इस सड़क हादसे में जहां दो युवकों की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हुई है। एक कार सवार युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई और हादसे में 4 जन की जान चली गई। तो नागौर में दर्दनाक हादसा, जहां पर लापुलाई के पास सड़क हादसे में दो युवकों की इलाज के दौरान मौत। आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको 3 मिनट में 30 बड़ी खबरें। यूपी में चुनाव की तारीखों के ऐलान 5 जनवरी के बाद होगा। चुनाव आयोग ने दी जानकारी, नहीं टाले जाएंगे यूपी में चुनाव। यूपी चुनाव पर मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि सभी पार्टियां ये चाहती हैं कि चुनाव समय पर हो। उत्तराखंड के हल्द्वानी को पीएम मोदी ने